ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूं वीसी और आप देख रहे हैं बाउन टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक नया आईपीओ आने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। वो आईपीओ है प्रिंस पाइप का आईपीओ और देखेंगे उसके क्या इसकी ओपनिंग डेट है, क्या इसकी क्या की बिडिंग प्राइस है, कितने लॉट आप ले सकते हो वो सब, और थोड़ी डिटेल में कंपनी के बारे में भी जानेंगे। सो आपको आइडिया है कि कैसी ये कंपनी है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और हम क्या है कि इंडिकेटर पे एक सीरीज बना रहे, बाद में उसमें स्ट्रेटेजी ऐड करेंगे और अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम उसमें प्राइस एक्शन भी ऐड करने वाले। तो अगर आपको कुछ लर्निंग करनी, कुछ जानना है तो सिंपल सा तरीका, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। तो पहले देख लेते हैं कि कंपनी क्या करती है, बाद में कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है वो सब देखेंगे। तो जो कंपनी है वो मेन क्या करती है, कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चर किसका करती है, पॉलीमर पाइप का, और क्या करता है दूसरा, उसकी फिटिंग भी करती है। और जो मेन है कि ये कंपनी कौन कौन सी पाइप बना रही है, तो ये CPVC, UPVC, बाद में HDPE और PPR जैसी पाइप बनाती है। और कौन से टाइप की ये क्या है कि पाइप फिटिंग करती है, तो ये पाइप फिटिंग में CPVC, PPR एंड UPVC की पाइप फिटिंग करती है। तो ये था कंपनी के प्रोडक्ट और क्या क्या वर्क होता है कंपनी में ये सब। अब हम देख लेते हैं इसका मैन्युफैक्चर प्लांट कौन सा है। जो ये कंपनी है उसकी मेन ऑफिस मुंबई में है, बाद में क्या है कि स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन अक्रॉस नॉर्थ साउथ एंड वेस्ट इंडिया, मतलब इसके साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट है। बाद में देख लेते इसके मैन्युफैक्चर प्लांट किधर किधर है, तो इसके 5 मैन्युफैक्चर प्लांट है, वो क्या है, एक हरिद्वार में, बाद में एक दादरा नगर हवेली में, बाद में दूसरा भी दादरा नगर हवेली में, बाद में जो महाराष्ट्र में कोल्हापुर उसमें भी है, बाद में चेन्नई तमिलनाडु में भी है, और बाद में एक इसके 2 कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्लांट है, वो कहाँ कहाँ है, एक है बिहार में और एक है महाराष्ट्र में। तो मतलब क्या है कि पूरी इंडिया में इसके प्लांट है। तो मोस्ट ऑफ द जो ऐसी कंपनी होती है वो इस कंपनी के लिए अच्छा होता है कि ऑल ओवर इंडिया में इसका मैन्युफैक्चर हो रहा है। बाद में कंपनी क्या है कि 2 और यूनिट ओपन करने की प्लानिंग में है, वो कहाँ कहाँ होगा, एक होगा राजस्थान में, एक होगा तेलंगाना में। तो ये भी अच्छी बात है कि आगे और अपने क्या है कि यूनिट इंक्रीज कर रही है। अभी इस कंपनी की स्ट्रेंथ देख लेते हैं, क्या क्या इस कंपनी की स्ट्रेंथ है वो सब देख लेते हैं, सो आपको आइडिया है कि ये कंपनी कैसी है। जो इसका मेन पॉइंट है वो क्या है कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंट इन पाइप्स एंड फिटिंग। आपने भी कहीं कहीं अपने सिटी में देखा होगा कि प्रिंस पाइप, मैंने पर्सनली देखा है तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, ये कंपनी एक ब्रांड है। बाद में क्या है कि डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है, मतलब दूसरे दूसरे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट है इसके पास। बाद में क्या है कि मल्टी लोकेशन मैन्युफैक्चर यूनिट इन इंडिया, ये भी एक मेन पॉइंट है कि आपको ऑल ओवर इंडिया इसके प्लांट मिलेंगे। बाद में इसका जो मेन पॉइंट और है कि अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट इन नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ इंडिया। तो ये क्या है कि ये भी एक अच्छा होता है कि आपको 3 जो जोन होते हैं, 4 जोन में से 3 जोन में तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो अभी ये आगे आने वाले दिन में जो 4th डिवीजन है उसमें भी प्रेजेंट हो जाएगा, ऐसा हम क्या है कि सोच सकते हैं। बाद में क्या है कि पैन लोकेशन नेटवर्क टू डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद है टेक्निकल कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल प्लेयर टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये भी एक मेन पॉइंट है कि आपकी अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आपके पीछे एक अच्छी टेक्निकल टीम रखी हुई है। तो ये क्या है कि कंपनी की स्ट्रेंथ थी। अभी हम देख लेते हैं ये कब ओपन होगा, किस प्राइस पे आएगा, कब ये क्लोज होगा, वो सब डिटेल्स। अब हम इस कंपनी की कब ये ओपन होगा, कब ये क्लोज होगा, कौन सी प्राइस पे आएगा वो सब देख लेते। तो जो ये आईपीओ ओपन होगा शायद वो 17 दिसंबर को ये ओपन होगा। बाद में इश्यू कब क्लोज होगा, तो इश्यू क्लोज होगा 19 दिसंबर को। बाद में जो ये आईपीओ उसकी साइज कितनी है, तो 600 करोड़ अप्रोक्स उसकी साइज होगी ये पूरे आईपीओ की। बाद में क्या है कि कौन सी प्राइस बैंड पे आएगा, तो 188 से लेकर 200 के बीच में ये आईपीओ आ सकता है, यही इसका प्राइस बैंड हो आने वाले दिनों में। तो ये क्या है कि एक बार कंफर्म हो जाएगा तो मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा और हम फाइनेंशियल भी देख लेंगे। सो आपको एक आइडिया है कि ये ऑल ओवर ये कंपनी कैसी है, और बाद में मैं उसमें आपको बताऊंगा भी आपको इसको अप्लाई करना है या नहीं करना है। बाद में क्या है कि आप इसकी जो लोट होगा वो कितने शेयरों का लोट होगा, तो 75 का एक लोट होगा। बाद में ये लिस्टिंग कहाँ होगी, तो ये NSE एंड BSE दोनों पे ये लिस्ट होगी। और दोस्तों, ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। और क्या है कि जो ये इसका सेकंड पार्ट है, जब भी मेरे को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इसके फाइनेंशियल मिल जाएंगे, कंपनी की पूरी डिटेल में एनालिसिस कर लूंगा, बाद में क्या है कि और एक वीडियो इस पे मैं बनाऊंगा और उसमें मैं बताऊंगा कि आपको इसको अप्लाई करना है या नहीं। तो सब कुछ ये डिटेल आपको चाहिए और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए रिलेटेड टू मार्केट,
तो सिंपल सा तरीका, आप हमारे साथ जुड़ जाए और क्या है कि लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब अपनी चैनल को कर दीजिएगा, सो हमें क्या है कि मोटिवेशन मिले और हम ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे। सो प्लीज जरो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।